वैसे रिजल्ट आ चुके हैं एमटार के, और बहुत अच्छे लेवल्स आपको टेक्निकल से देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए हैं और अच्छे रिजल्ट की वजह से जो टेक्निकल है वो आपको सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल्स के लेवल्स के पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद रिजल्ट देख लेंगे, बिकॉज बहुत लोग टेक्निकल देखने आते हैं। सबसे पहले बताऊँ तो ये जो आपको ये सपोर्ट बार मिल रहा है यहाँ पे नीचे की साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये सपोर्ट आपको बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। यहाँ से आगे भी अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो ये सपोर्ट आपको जरूर मदद करेगा, इस स्टॉक को आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलने वाले, वो यही मिलने वाले हैं, यानी अगर आपको ये कैंडल सक्सेसफुली ऊपर की साइड बनती हुई नजर आती है, कोई सी भी कैंडल 1451 के ऊपर अगर बनती हुई नजर आ रही है, तो आप समझिए पॉजिटिव ट्रेंड में है, और ये जो अचीव करने वाला टारगेट वो अचीव करेगा सीधा सीधा 1703, यानी 17003 का टारगेट यहाँ से अचीव होने वाले हैं। एंड जिन सेकंड टारगेट्स जो आपके आने वाले हैं वो आने वाले 2004 के, 2004 आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो यहाँ इस स्टॉक से। अब यहाँ पे एक मोमेंटम ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बता दूं यहाँ पे टाइम करेक्शन हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ टाइम करेक्शन हो सकता है, तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है इस तरीके से कि यहाँ पे बहुत देर ये स्टॉक मूवमेंट करेगा, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, जो कि आपको लेवल मिलेगा 1703 का, एंड जो सेकंड लेवल आपको मिलेगा वो मिलेगा 2004 का। अब ये लेवल्स अच्छे हो सकते हैं आप लोगों के लिए जो इसमें फ्यूचर देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए अर्निंग्स अच्छी आई है, अगर आप कोई भी सेक्टर प्ले कर रहे हो तो सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अगर अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास तो आप इसमें लीडर स्टॉक्स अगर आपने रखे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट कंपनियों के अलावा दो कंपनियां ऐसी है, पारस और एमटा, जो कि लीडर है प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, और न्यूक्लियस जो भी टेक्नोलॉजी है वो उनके अंदर बहुत ज्यादा R&D है और बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है इन लोगों की, तो आपके पास ये स्टॉक्स होना चाहिए। डिफेंस सेक्टर में अगर आप कोई सा भी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो इस स्टॉक को जरूर मिस मत कीजिएगा, इस स्टॉक और पारस डिफेंस को आप जरूर इसको एडमायर कीजिएगा इस स्टॉक्स को लेने के लिए अपने पोर्टफोलियो में। सबसे पहले बता दू 4422 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, पी घटा है, बिल्कुल घटा है पी, बिकॉज घटा किस लिए है आप यहाँ देख सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई है वो है 2560 रुपए के आसपास, और अभी जिस लेवल प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 14380 रुपए के आसपास। तो अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि अभी जो लेवल्स है वो अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, मैं मान सकता हूँ। आपको भी ये मानना होगा कि अगर जो स्टॉक आपको यहाँ पे 2400 2800 मिल रहा है, वो अभी आपको 1400 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, तुरंत आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लेवल्स हमने बताए हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर लेवल्स नहीं देखे पीछे देखिएगा, स्टॉप लॉस हमने बताया है, जो स्टॉप लॉस के नीचे बिल्कुल आप खरीदारी करें, और बिल्कुल आप अपनी पोजिशन होल्ड ना करके चले स्टॉप लॉस के नीचे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस बार रिजल्ट जो आए हैं बहुत अच्छे आए हैं, क्वार्टर क्वार्टर वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो क्वार्टर वाइज अगर मैं बात करूँ तो जो पिछला क्वार्टर जो गया था कंपनी का मार्च का, वो 69 करोड़ के सेल्स के साथ गया था, लेकिन इस बार जो 99 करोड़ का सेल्स अचीव किया कंपनी ने, उस समय जो प्रॉफिट किया था वो 18 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी भी जो प्रॉफिट है 20 करोड़ का, प्रॉफिट में उतना इंक्रीज नहीं आया। दिक्कत यहाँ पे एक और चीज है कि जो पिछली बार टैक्स दिया गया था वो 29% दिया गया था, लेकिन इस बार जो टैक्स दिया गया वो 17% दिया गया, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट ज्यादा आता वो नजर जरूर आएगा, लेकिन हालांकि ये प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर आप कंपेयर करेंगे जो OPM है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 43 से घट के 28 हुआ है, और ये हालांकि इन्हीं कंपनियों के साथ नहीं है, जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं चाहे वो पारस हो चाहे एमटार हो, उन सबके साथ ये इशू है कि उनके मार्जिन ओपीएम घटा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है अभी भी, और यहाँ पे आगे चलता वो भी अच्छा नहीं आएगा, ज्यादातर इस दो क्वार्टर्स के अंदर वापस से यहाँ पे खराब आने को संभावना है। यहाँ देखिएगा 246 करोड़ का प्रॉफिट, सेल्स 322 करोड़ का हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करते हैं, 46 का हम रेवेन्यू की बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो 46 करोड़ से 61 करोड़ आ चुका है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस इन्हीं चीज का है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो OPM है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है, और इसी वजह से जो रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं इनके सेल्स से, सेल्स से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो इक्वल नहीं आते। यहाँ पे अगर हम बात करूँ जो इस साल का जो क्लॉक किया इन्होंने 31% ऑल टाइम हाईएस्ट जो हमने सेल्स के अंदर ग्रोथ देखी है, और ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, 32% की हमारी पिछले साल से ग्रोथ मिली है प्रॉफिट के अंदर भी। अब यहाँ बात करें तो इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी यहाँ पे 56% के आसपास के रिटर्न मिल चुके हैं एक साल के अंदर। हाँ, हालांकि जिन्होंने सबसे ऊपर खरीदा उनको लॉस जरूर है, लेकिन हाँ ये स्टॉक ऐसा है जिसके आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में इस स्टॉक के आसपास कोई स्टॉक भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज इनके पास इतनी ज्यादा वेल रिसर्च और वेल रिपोर्टेड होगी, जो चीजें या कनेक्शन होंगी वो बहुत अच्छे लेवल्स पे आपको ये इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग जो मार्च क्वार्टर की आ चुकी है, तो यहाँ पे
5 से 26 हो गया, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, 1-2% वो एडजस्टमेंट में भी इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा प्रोमोटर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ा डिफरेंस आएगा कि 2% या 3% के आसपास से जो FIIs है उन्होंने होल्डिंग बढ़ाई 6% तक की, और यहाँ पे जो होल्डिंग गई है वो पब्लिक के हाथ से गई है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको देखना कि जो पब्लिक के हाथ से होल्डिंग गई है वो किसके हाथ में गई है, या प्रोमोटर्स के हाथ में या DIIs या FIIs के हाथ में। तो सबसे ज्यादा बुलिश FIIs यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि DIIs ने यहाँ पे हालांकि कोई परसेंटेज चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ 81.81 से 0.46 जरूर किया है। यहाँ पे ये देखने की वाली बात होगी कि आगे इस स्टॉक में किस तरीके के मूवमेंट आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे FIIs आए हैं और अच्छे इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि पब्लिक के हाथ से पैसा उठा रहे हैं, पब्लिक के हाथ से शेयर उठा के अपने झोले में डाल रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस और जो लेवल्स है वो मैंने आपको बता दिए, इस लेवल्स अच्छे हैं, लेकिन हाँ इमीडिएट बेसिस पर कोई लेवल्स नहीं आने वाले। यहाँ पे स्टॉक बहुत तक करेक्शन कर सकता है, 1 महीने तक इस टाइम करेक्शन के अंदर ये बिता सकता है, उसके बाद जो लेवल्स आएंगे वो 1703 एंड देन 2004 के लेवल्स आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएंगे, देन उसके बाद ऑल टाइम हाई जो इसका है 2500 का वहां तक आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉक अच्छा है, नो डाउट आपको स्टॉक लेना चाहिए, ऐसे स्टॉक लेने चाहिए, हाँ लेकिन करेक्शन में लीजिएगा, अभी करेक्शन है मौजूद है, अच्छा करेक्शन है, आप यहाँ पे अपना स्टॉक पिक कर सकते हैं, धीरे धीरे उठाइए अपने 20-20% पैसे से, आप इस स्टॉक को लीजिए एक साथ ना ले लीजिए। और यहाँ पे आप जब भी कोई भी 5-10% के नीचे की साइड कोई भी डिप मिलती है वहां पे जरूर ऐड करते हुए चलिएगा, लेकिन हाँ सपोर्ट लेवल्स लगभग लगभग यहाँ पे आ चुके हैं, जो अभी जिस लेवल पे स्टॉक है वहाँ पे लगभग लगभग सपोर्ट लेवल से आ चुके हैं, तो यहाँ से नीचे जाना बहुत मुश्किल होगा, और वॉल्यूम भी अच्छी खासी आ रही है जिसमें डिलीवरी अच्छी खासी उठाई जा रही है स्टॉक के अंदर। तो जैसे कि आप लोग पता है हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम डेली ऐसी वीडियोज डाल पाते हैं अपने चैनल पर। और जब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।